हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ के शायद बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सोबोस मदर्स, भाई एक यहाँ पर क्या है, लड़का या लड़की बताया नहीं है, ठीक है। एक सोबोस नाम का मान लेते हैं लड़का है। मदर्स प्रेजेंट ईच एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मैं सोबो की जगह सोबा बोल रहा हूँ, ठीक है, गर्ल मान रहा हूँ, मैं सोबोस की जगह सोबा बोल रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज और उसकी प्रेजेंट एज दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन रिलेशन क्या बता रहे हैं ये आपको समझना होगा। देखिए क्या बोला है कि जो सोबा है उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है पता है, इज 6 टाइम्स सोबा की प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, सॉल्यूशन में करना है लेट। यहाँ पे बोला गया है कि जो सोबा की मदर की जो एज है वो सोबा की प्रेजेंट एज के 6 टाइम्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि सोबा की प्रेजेंट एज कितनी है। लेट सोबास प्रेजेंट एज इज एक्स, देन सोबास मदर एच इस ईजी लगाएंगे क्योंकि है कितनी है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब होता है कि जो भी सोबा की एज है उससे 6 गुना ज़्यादा या 6 का मल्टीप्लाई, तो 6x। ये तो हो गई दोनों की प्रेजेंट एज, यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में बता दी है। अब आगे बनता है हमारा क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन, सोबा एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब बोल रहा है कि जो सोबा की एज रहेगी आज से 5 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे विल बी का उपयोग किया गया है। विल बी मतलब फ्यूचर में सोबा की एज कितनी होगी 5 साल बाद आज से। तो पहले मुझे बताओ कि सोबा की आज प्रेजेंट एज कितनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सोबा की आज प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, और 5 साल बाद तो जो भी है उसमें 5 साल तो हमें ऐड, 5 ईयर है वो तो हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए आपकी एज आज 10 ईयर है, अगर मैं 5 साल आगे की बात करूँगा तो आप 15 ईयर के हो जाओगे उस टाइम पे। तो सोबा भी क्या हो जाएगी, एक्स एज तो आज प्रेजेंट एज है लेकिन 5 साल आगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शी एज या ही एज विल बी, हीज और हर एज विल बी एक्स प्लस 5। ओके, विल बी कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ हीज मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसकी जो मदर की प्रेजेंट एज है ना उसकी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की एज। तो 1/3 ऑफ का मतलब होता है, हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई का साइन, तो ऑफ की जगह लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई। हीज दिया रखा है मतलब लड़के का नाम है यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ढंग से बाद में देखा नहीं था, यहाँ पे हीज है मतलब लड़के का नाम है, सो हुआ, ठीक है। हीज मदर्स प्रेजेंट एज, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x है, उसकी क्या हो गई 1/3। चलिए बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। क्या करेंगे, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x प्लस 5 + 2 कितना हो जाएगा 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैं x को इस तरफ ट्रांसपोज करूँ या इस x को इस तरफ ट्रांसपोज करूँ, बात एक ही है, तो मुझे जो आसान लगे वो करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को अपने प्लेस पर रहने दूँ, इस x को इस तरफ ट्रांसपोज करूँगा, क्यों, ताकि मुझे आसानी है इसीलिए, नहीं तो वरना मुझे इसको इस तरफ ट्रांसपोज करना होता, 5 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ता, ठीक है, इसलिए मैंने x को इस साइड से इस साइड ट्रांसपोज कर लिया। 5 = 2 - x कितना हो जाएगा x, बाकी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों का इंटरचेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 = x या x = 5 एक ही बात है। चलिए हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो देखिए अब हमने जो लेट किया था उसके हिसाब से हम देखेंगे, सोबोस एज इज x, मतलब सोबोस एज इज 5 ईयर, क्यों, क्योंकि एक से उसकी एज है और एक से कितना है 5। अब हीज मदर्स एज इज कितनी हो जाएगी, मदर्स की एज 6x, 6 × 5 मतलब 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स, उसकी मदर कितने ईयर की है 30 ईयर की और उसकी एज कितनी है 5 ईयर, ये यहाँ पर एक बन गया कॉम्बिनेशन 6 टाइम्स वाला, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो चाहे कितना भी शॉर्ट, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण क्या है। आप चाहे डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन
अभी कह सकते हैं कि आप इतने मेच्योर या इतने पारंगत नहीं हो इसमें कि आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके आप क्वेश्चन बना लो, वरना चाहो तो आप भी अपने फैमिली में ऐसे एज वाले क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, स्वयं बना सकते हो, सेल्फ बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, दोनों दिखने में लेंदी लग रहे थे, लेकिन क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझने के बाद बिल्कुल शॉर्ट है।